ये देखिए टिकिए को डीप फ्राई कर ले रहे हैं। ये टिकिया बनाने के लिए हमने इसे लहसुन, मिर्चा, अदरक और धनिया का पेस्ट यूज किया है और नमक स्वाद अनुसार हमने डाल दिया है। देखिए टिकिया हमारी बन चुकी है। तो हम पानी से उतार लेंगे। तावे पर हम रखेंगे ब्रेड। तावे को गर्म करने दें। जो हमारा तवा हीट हो गया है इसको ब्रेड पे हम रख देंगे। एक जो हमने टिकिया बनाई हुई है इस ब्रेड पे रखेंगे। इस पर्ते की सहायता से हम इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे। देखिए अच्छे से फैल जाए। अभी इसमें थोड़ा पनीर रखेंगे। पनीर को अच्छे से हमने मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे हरा मिर्चा कटा हुआ और प्याज। कच्चा प्याज डालेंगे, इसमें टमाटर डालेंगे, थोड़ा कम पलट देंगे। फिर सबको हम पलट देंगे। हम डालेंगे थोड़ी सी ये इमली की मीठी चटनी। इसको ड्रॉप कर देंगे अच्छे से पेस्ट को। धनिया पत्ती के साथ बस इसमें भुना हुआ जो है जीरा काला नमक डाल के टेस्ट कीजिए। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, खाने में मुलायम
ये खट्टी मीठी चीज जो है सैंडविच है, जिसे आप घर पे बना के बच्चों को खिला सकते हैं।